एक और नए वीडियो के साथ मैं फाद इकबाल गी वाला अपने यूट्यूब चैनल से हाजिर हूँ। और आज जो है मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसके बारे में जो है आप बेहतरीन तरीके से आप जानते भी हैं और पहचानते भी हैं और काफ़ी मेरे जो है देखने वालों ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी की हुई होगी। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है गुलशन इलाही। गुलशन इलाही का थोड़ा सा मैं तारुफ कराता चलूँ और इसकी लोकेशन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है मेन सुपर हाईवे से जो है आप हबीब रेस्टोरेंट की तरफ आते हैं तो हबीब रेस्टोरेंट के साथ जो है ना आपने लेफ़्ट पे टर्न करना है। लेफ़्ट पे टर्न करने के साथ ही जो है आपका नॉर्दर्न वाला ब्रिज शुरू हो जाता है। नॉर्दर्न के जो है आप टर्न करेंगे ब्रिज क्रॉस करते ही साथ जो है सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है गुलशन इलाही आपको वेलकम करता है। अच्छा, इसी वेलकम को हम साथ में रखते हुए इसको अंदर आते हैं तो आप देखें तो यहाँ पे जो है सड़कें जो है नहायत ही जो है ना पूरी बनी हुई हैं और साथ में स्ट्रीट लाइट्स आप देखें और यहाँ पे हरियाली देखें और यहाँ पे जो है साथ में जो है कारोबार का मंज़र आप देखें तो स्ट्रेट की लाइन से जो है स्ट्रेट ही स्ट्रेट आपको नज़र आएंगी। ठीक है, और इसी तरह जो है ना हम आज जो है एक मशहूर है हमारे यहीं के जो है स्टेट एजेंसीज के हवाले से हमारे अनस रियल स्टेट मुजम्मल भाई वहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मल भाई, थोड़ा सा मुझे जो है ना ये गुलशन इलाही के बारे में जो ना हमारे क्लाइंट्स को बताएं जो हमारी वीडियोस देखते हैं माशाल्लाह तो उनको थोड़ा सा रिव्यूज़ दें गुलशन इलाही क्या है, क्या था और अब क्या है। आप अंदर आ जाए मैं आपको दिखा देता हूँ सारा नक्शा वगैरह सब चीज़ें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें मैं जो है ना इनके साथ थोड़ा अंदर भी बैठता हूँ, आपको मैप भी दिखाता हूँ इसके साथ ही और गुलशन इलाही का थोड़ा सा मैं जो है आपका ओवरव्यू भी देता हूँ। चलें आएँ जी। तो मैं जो है हमारे अनस रियल एस्टेट में मैं मौजूद हूँ और हमारे मुजम्मल भाई से थोड़े से मैं सवाल करता हूँ। अच्छा मुजम्मल भाई, थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू दें और इसका जो है थोड़ा सा मैप वगैरह मुझे अपडेट करें। यहाँ पे दिखाना मैप के साथ हम यहाँ पे आते हैं तो ये मेन रोड है इसका 100 फीट का। ठीक है, 100 फीट रोड पे आप यहाँ आते हैं तो ये सारी लाइन से एस बी हैं 400 गज की। ठीक है, इसके ऊपर स्टेट वगैरह सारी बनी हुई है। ये ब्लू कैटेगरी है, ये 120 गज है, ये पिंक वाले जो हैं ये 240 गज है। ठीक है, येलो वाले सारे 200 गज, बाकी ये सारी एफ एल हैं, ये भी सेल नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि ये बिल्डर्स के पास होंगी। जी 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 जी, सही सही सही। और अब आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो घर जो बन रहा है तो ये 240 गज बन रहा है। 240 का कौन सा नंबर बन रहा है? 71 नंबर। 71 नंबर, माशाल्लाह, यानी कि कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। जी जी बिल्कुल, पोजीशन भी मिला हुआ है और अभी फाइल आप लेंगे और जाके आप वहाँ से पोजीशन लेटर लें वो भी फ्री है, डिमार्केशन भी फ्री है। सही सही सही, कोई चार्जेस नहीं, एक दिन के अंदर आपको डिमार्केशन। तो यहाँ पे कुछ बताएंगे मतलब फैमिली यहाँ पे रिहायश पजीर भी हैं? जी जी, एक घर बना हुआ है यहाँ पर, 120 गज का है। 700 नंबर मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन इस जगह पे रहता भी है भाई हमारा। ठीक है, रिहायश भी है इसकी यहाँ पर और इसी लाइन में 200 गज का पूरा घर बना हुआ भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, रहता नहीं है लेकिन आता रहता है। ठीक है, मजीद 200 गज के दो घर बनने जा रहे हैं यहाँ पर 250 के नंबर, ये भी अभी शुरू होने वाले हैं ये वाले घर। जी जी जी, यानी कि इनकी भी डिमार्केशन वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना आपको आबादी मिल रही है, कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे जो आप करा सकते हैं और साथ में जो है आपको यहाँ पे पोजीशन हर चीज़ एवरीथिंग। अच्छा ये तो बताएं कि यहाँ पे अगर जो फैमिली रिहायश पजीर है ना भाई अपना मुजम्मल भाई तो यहाँ पे जो है उनको फैसिलिटीज़ क्या क्या मुहैया हैं, यानी कि बिजली पानी गैस की तरफ कुछ सूरत हाल होती है तो यहाँ पे क्या उनको फैसिलिटीज क्या क्या हैं, थोड़ा सा अपडेट करें। देखिए बिजली का ये है कि बिजली की अभी एप्लीकेशन दी है। ठीक है, वाटर बोर्ड में पानी की भी दी है, पानी की सारी लाइनें डली गई। ठीक है, अभी फिलहाल जो है जो बंदा रह रहा है इसको टैंकर दे रहा है। ठीक है, पानी का टैंकर जो है वो खुद वो कंपनी कर रही है। अभी ये मांगता है बंदा तो उसको टैंकर पहुँचा देते हैं पानी का, टैंकर लेता है और बिजली का ये अभी प्रॉब्लम है और इसी के साथ बोर्ड है उस तरफ तो बोर्ड से कुंडा भी मिल जाता है। अच्छा अच्छा, कुंडा भी लगवाया हुआ है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है सोलर लगाओ या एज पर पॉसिबल आपके लिए क्या है। तो ये बिजली कब तक यहाँ पे पॉसिबल है कि वो आ सकती है? बिजली की अभी एप्लीकेशन दी है 15 दिन हुए। 15 दिन हुए, लेकिन बिल्डर ने यही बोला है कि 2 से 3 महीने के अंदर पीएमटी माशाल्लाह काम करेंगे और माशाल्लाह इनका नाम है तो काम भी है। जी जी बिल्कुल, आगे पूरा इसका मुस्लिम सिटी के पास आगे ऑफिस बन रहा है माशाल्लाह, इतना बड़ा ऑफिस है तो इनको पानी भी चाहिए फिर पीएमटी भी चाहिए सारी चीज़ें मुहैया इनको चाहिए। ठीक ठीक ठीक, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुजम्मल भाई आपका।
आपने जो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी, तो रेट के हवाले से मैं थोड़ा सा अपडेट करता जाऊँ आपको, हमारे जो है मुगल भाई से थोड़ा सा मैं पूछता चलूँ। अच्छा मुगल भाई, थोड़े से रेट्स वगैरह बताएं, जो आपने चीज़ें बताई उनके रेट भी अपडेट कर दें। रेट जो है ना नंबर के हिसाब से है, यहाँ प्लॉट हैं 1163 120 गज के, 200 गज के प्लाट है 486, ठीक है 240 हैं 494। अगर शुरू में आप जैसे लेते हैं 120 गज तो 18 लाख, 17 लाख, 19 लाख ऐसे रेट, पीछे का लेते हैं तो 14-15 लाख रुपये रेट है, ठीक है। 200 गज लेने जाते हैं तो बिल्कुल पीछे का जो होगा तो वो 21 लाख रुपये का है, शुरू का 25 लाख का है, तो ऐसे ही 240 का भी रेट यही है, पीछे का कम से कम भी 25 लाख रुपये, 25 से 28 लाख रुपये रेट, और 120 का 32 से 35। और ये जो 400 गज की जो एसबीआई है, 400 गज की एसबीआई 2 से 2.5 के अंदर शुरू का लेंगे तो 2.5 करोड़ रुपये का है, जैसे यहाँ आना है 9 से 23-24 के नंबरों में, तो ये 2.5 करोड़ रुपये डिमांड करते हैं। फिर जहाँ पे जो है हमारी पार्टी बैठ गया, अभी 2 के अंदर सेल भी हुई है, 2 एसबीआई 26 नंबर सेल हुई है, 44 नंबर सेल हुई है, माशाल्लाह यानी कि काम चल रहा है आपका। जी बिल्कुल चल रहा है, और अभी तो काम करने का टाइम है, क्योंकि स्कीम 33 के अंदर स्कीम 33 के अंदर हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, आप जाके टच करें तो यहाँ पे मैं सोसाइटी है कैपिटल सोसाइटी के नाम से 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ 60-70 लाख का सिर्फ 120 गज का प्लॉट मिल रहा है। और सामने साइनमा तकरीबन 160 गज का वन यूनिट बना हुआ है, तो ये तो फिर मुफ्त के भाव में मिल रहा है यार। ये नहीं है आप कंस्ट्रक्शन कर लो 120 गज का प्लॉट, आपको 15-16 लाख का मिल रहा है यार, मतलब ये मौका उठाने के लिए। तो हमारे ये थे मुजम्मिल भाई अनासिर स्टेट से यहाँ मौजूद हैं, इनसे हमने जो है तारुफ किया और काफी जो है इंफॉर्मेशन हमने अपडेट करी। हाय गाइस, स्वादिक वाल गी वाला नाम तो सुना होगा आपने, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इलाही, नाम ही काफी है। और मैं आपको बता चलूँ इसके चारों अतराफ में, एक तरफ है गुलशन उस्मान, एक तरफ है सादी गार्डन, और एक तरफ आपके मौजूद है साइमा विलास, और एक तरफ मौजूद है गुलशन मेहरान, मेहरान टाउन के नाम से, और इसी के संगम में ये खूबसूरत सा टुकड़ा मौजूद है गुलशन इलाही जिसका नाम है। और माशाल्लाह आप देखें तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि ट्रांसफर ओपन हो गया, और सारी चीज़ें ओपन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बाद घर बन रहे हैं। और घर के साथ मैं पूछता चलूँ हमारे वकास भाई से, यहाँ पे यार रिहाइश भी मौजूद है? जी जी बिल्कुल मौजूद है। अरे अनबिलीवेबल, यहाँ पे रिहाइश भी मौजूद है। अच्छा वकास भाई, मैं तो आपका तारुफ करता जाऊँ कि यहाँ पे जो है हमारे सिद्दीक भाई थे उन्हीं के ये साहबजादे हैं, जो कि यहाँ पे जो है रात दिन एक करते थे, और गुलशन इलाही को हम देखते थे कि रात में बैठे हुए हैं दिन में बैठे हुए हैं, हमारे सिद्दीक भाई चाचा उन्हीं के ये साहबजादे हैं अलहादी रियल इस्टेट से। तो थोड़ा सा हम जो है आपका जो है तारुफ मैंने बता दिया है, और आप थोड़ा सा गुलशन इलाही का तारुफ कर दें कि गुलशन इलाही में थोड़ा सा आला हवाल दें कि यहाँ पर जो अंदर की सड़कें हैं और साइविश का निज़ाम है, बाउंड्री वॉल है, सिक्योरिटी सिस्टम है, थोड़ी सी अपडेट दें। देखें गुलशन इलाही के जो सबसे छोटे रोड हैं वो प्रॉपर 30 फीट के रोड हैं, सही है। उसके अलावा आप 200 गज और 240 गज पे आप जाते हैं तो ये देखिए ये 40 फीट का रोड है, सही ये सही। रोड देख रहे हैं आप कितना बड़ा है, माशाल्लाह देखें पूरा प्रॉपर 40 फीट का रोड है, सही सही। और सेवरेज का निज़ाम आपके सही, सामने सेवरेज ये बिल्कुल ऑन है, आप आएँ अपना घर बनाएँ और रिहाइश भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक फैमिली रह रही है पीछे 500 के नंबर में। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उसको भी विजिट करते हैं यार? बिल्कुल करते हैं, आपकी मीटिंग भी कराते हैं, उनसे भी बात चलें विजिट करते हैं, चलें विजिट करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, जो आप पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं वो था A71, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ 120 गज का R300 हमारे यासिर भाई का ये मकान है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, दीवारें खड़ी कर दी हैं, और साथ में यहाँ पे जो है मजीद मकान बने हुए हैं, उनका मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, चले आए। जी हाँ नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं ये जो मकान बना हुआ है ये है 240 गज का, और हमारे वकास भाई हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं का ये जो है प्लॉट बन रहा है। और साथ में आपको जो है 240 के साथ थोड़ा सा आपको आगे दिखाऊँ तो ये जो है 200 गज का
मकान बना हुआ है। और आगे मैं आपको दिखाता चलूँ, इसके साथ ही हम आगे चल रहे हैं और वहाँ पे दिखाते हैं, वहाँ पे पोजीशन के साथ फैमिली रिहाइश पसीर है। तो आए जुड़े रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं आपको गुलशन रिलाई के उस मकान पर मौजूद हूँ जहाँ पे जो है फैमिली ऑलरेडी शिफ्ट भी हो चुकी है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या नाम है बच्चों आपका? ईसा भाई। अच्छा ईसा भाई, आप यहाँ पे कब से रहते हैं? अच्छा, तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए आपने? नहीं नहीं माशाल्लाह, ये वाले दो सिक्योरिटी गार्ड ये तो नहीं पकड़े में। माशाल्लाह कंपनी वाले हमारे बहुत अच्छे हैं, मजा सिक्योरिटी देते हर चीज प्रॉपर हमें देते हैं माशाल्लाह, सही सही हिसाब की काम है। और सेवरेज के हवाले से आपका सेवरेज ये आपके सामने सेवरेज माशाल्लाह होने के सरके बनी हुई है, बिजली भी लगी हुई है, बिजली के पोल भी लगे हैं इंशाल्लाह, कह रहे हैं बिजली भी आ रही है अल्लाह के हुक्म से। मैं तो सुन रहा हूं रात तक आपको कोई खौफ और खतर नहीं? कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कुछ भी नहीं, सुकून से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हमारे हिसाब इन सब ने मुलाकात करी। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको गुलशन इलाके के रेड्स यहाँ की जो डेवलपमेंट हुई हुई है वो तमाम चीज़ें बताई, और साथ में अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रही है और फैमिलीज भी रिहाइश पसीर है, तमाम अपडेट्स दी। अच्छा जाते जाते जो है मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और जो है ना घंटी का बटन लगा हुआ उसको जो है ना जाके नोटिफिकेशन के लिए दबा दें ताकि आपके पास नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो इजाज़त दीजिए मुझे, अस्सलाम वालेकुम।